किसान भाइयों, इस समय मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान के नदवई तहसील है और नदवई तहसील में किसान एग्रो इंडस्ट्रीज के मैं सामने इस समय खड़ा हूँ और मेरे पास आप इस समय देख पा रहे हैं ये पावर रीपर है। पावर रीपर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन वो पावर रीपर और इस पावर रीपर में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। आज इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हमने आपको बहुत सारे लिथियम बैटरीज की जानकारी दी है, बहुत सारे सोलर पैनल्स की जानकारी दी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि किसानों तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, कि किसानों तक कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पहुँचाएं कि जिससे किसानों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। बात को अपनी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो किसान बेरोजगार है और वो रोजगार करना चाहते हैं, क्यों गांव देहात में जो किसान है वो चाहते हैं कि हम ट्रैक्टर खरीद लें और भी बहुत सारे उसके जो अप्लायंसेस हैं वो खरीद लें, और खरीदने के बाद तब दूसरे की जुताई करें, कटाई करें, सारे काम करें और बहुत सारे पैसे कमाएं। लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप आज के ज़माने का ये सबसे बेहतरीन रोज़गार भी है और अपने काम की चीज़ भी है। आप आज के ज़माने का सबसे बेहतरीन रोज़गार कर सकते हैं और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप में काम करने की लगन है, अगर आप में कमाई करने की लगन है और आप चाहते हैं कि हम रातों रात मालदार हो जाएं या अपनी मेहनत से मालदार हो जाएं, तो आपके लिए ये पावर रीपर वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि आप इसके यूज से एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है और मैंने बिल्कुल सही बोला है, आप एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसकी कीमत क्या है आखिर, जिस मशीन को खरीदने के बाद हम 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं उसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। बाकी ये पावर रीपर और पावर रीपरों से कैसे ज़्यादा स्पेशल है इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, और पूरे वीडियो में देखने के बाद आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप इतनी दूर से चल के आए और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सर, दूर से चल के आने का एक मेन कारण यही था कि किसानों के पास एक बेहतरीन सोल्यूशन पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जिन्हें एक बार इंसान खरीद ले तो बार बार उसमें पैसे नहीं डाले जाएं, एक बार खरीदने के बाद कई कई साल तक वो काम कर जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जो डीपली नॉलेज है वो जरूर दें सर। जी, मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। मैं किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री से पुष्पेंद्र, साथ के साथ आपका चहेता यूट्यूबर भी, इंडियन एग्रीटेक गुरु जी यूट्यूब चैनल का ओनर और साथ के साथ एक कंपनी का मालिक भी हूँ। तो मेरे किसान भाइयों की, इन्होंने कहा कि समस्याएँ रहती हैं पावर रीपर में, तो आज मेरे किसान भाइयों को हमारी इस वीडियो के माध्यम से पावर रीपर के बारे में जानकारी देंगे और सारी फसलों को नहीं काट सभी फसलों को काट पाएगा नहीं काट पाएगा तो वो भी बात करेंगे। तो सर बताइए, हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या समस्या आ रही है, आप पूछिए। सर, समस्या ये आती है कि आजकल जैसे देश में डेवलपिंग हो रही है, मजदूर मिलने बड़े मुश्किल हैं, तो मजदूरों से ज़्यादातर जो गाँव जो किसान होते हैं मजदूर बुलाते हैं और उनसे गेहूं की फसल कटवाते हैं, धान की फसल कटवाते हैं, लेकिन मजदूर मिलना आज के ज़माने में बड़ी टेढ़ी खीर है। तो किस तरह से मजदूरों की बचत कर सकता है और किस तरह से जो जब किसान किसी दूसरे चाहे वो बड़ी वाली कंबाइन मशीन हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें जब उन्हें लेकर आता है तो उसे बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करना पड़ता है, तो उनसे किसान कैसे बचें? देखिए मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने बताया कि जैसे मान के चलो कंबाइन लें तो कम से कम 25-26 लाख रुपए की आती है, तो हर किसान भाई का बजट नहीं होता इतना। अब मान के चलो हम ट्रैक्टर माउंटेड रीपर भी लें तो कम से कम हमें 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, 1.25 लाख का रीपर लेना पड़ेगा, तो मेरे किसान भाई का वहीं 8-9 लाख रुपये खर्च हो गया। अब इतना हमने कमाया नहीं, इतना हमारा खर्च हो गया, एक साल तो हमें कमाने में लगा और दूसरी साल हम जाके ये समझिए कि कुछ अपना खर्चा निकाल पाएंगे, एक साल तो हम उन्हें ये समझिए कि उसकी लागत ट्रैक्टर को रीपर को ही दे दी। तो मेरे किसान भाइयों, इसी समस्या को देखते हुए मेरे किसान भाइयों को आज जो है मैं लेकर आया हूँ ऑटोमेटिक रीपर मशीन, पावर रीपर मशीन, और या आप इसे टिलर माउंटेड रीपर मशीन भी बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये और बताएं कि ये किस किस तरह की फसल को काट सकती है। देखिए मेरे किसान भाइयों, अभी फिलहाल जैसे धान का सीजन आने वाला है, ज्वार कटाई का आने वाला है, बाजरा कटाई का आने वाला है, तो आप धान की कटाई कर सकते हो, सोयाबीन की कटाई कर सकते हो, आप बरसीम की कटाई कर सकते हो, जई की कटाई कर सकते हो, गेहूँ की कटाई कर सकते हो, सोयाबीन हो गया आपका, ज्वार, बाजरा, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको आप आसानी से इस पावर रीपर या ऑटोमेटिक रीपर के माध्यम से आप काट सकते हो। अच्छा, कितनी बड़ी और कितनी छोटी फसल काट सकते हैं? देखिए सर, लगभग 1 से 1.5 फीट से लेके और आप 5 से 6 फीट की जो फसल है उनको आप आसानी से इसे काट सकते हो। अच्छा, क्षमता क्या है सर इसकी, मतलब एक घंटे में कितना काट देगी ये?
देखिए अगर धान की बात करूँ, धान बता दें, धान की बात करूँ, लगभग लगभग मेरा किसान भाई यदि इसको प्रॉपर तरीके से चलाता है, एक घंटे इसको चलाता है तो एक एकड़ को ये आसानी से काट देती है। ये मैंने खुद ने भी चलाया है और मेरे खुद की चैनल पे भी मैंने एक बार चला के शॉर्ट वीडियो डाला था, तो 55 सेकंड में, मात्र और मात्र 55 सेकंड में मैंने करीब 100 मीटर का एरिया कवर कर दिया था इससे, 55 सेकंड में गेहूं कटाई में। तो सर आप ये बताएं कि अगर ये आप बता रहे हैं एक घंटे में ये एक किला काट देगी, जी जी जी, एक घंटे में अगर एक किला काटे तो मुझे लग रहा है कि पूरे दिन में अगर इंसान इसे चलाएगा 5 से 6 घंटे चलाएगा तो उसके जितने भी नॉर्मल से खेत हो में सभी काट लेगा वो तो। जी जी, देखिए सर ये मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है, जो किसान भाई अपना भी काम करना चाहते हैं तो अपना भी काम करें, साथ के साथ जो हमारे युवा बेरोजगार किसान भाई हैं उनके पास कोई रोजगार का माध्यम नहीं है तो उनके हमने खासकर हमने ध्यान रखा है, उनके लिए मेन समस्या यही है कि वो रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते तो इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते। इससे रोजगार कैसे कर सकते हैं? इससे रोजगार ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जब एक घंटे में एक एकड़ ये काट रही है तो मेरे हर किसान भाई के पास एक एकड़ 10 एकड़ तो है नहीं। अब 1,40,000 रुपए आप मतलब कोई भी मशीन ले रहे हो, कोई पैसा डाल रहे हो आप, तो आप एक चीज सोचिए कि ओनली फॉर अपने काम के लिए तो लोगे नहीं, नहीं तो मेरा किसान भाई दूसरे का काम करके चाहे तो इससे लगभग लगभग एक दिन में 27 से 28 हज़ार रुपए कमा सकता है। एक दिन में 27 से 28 हज़ार रुपए। अब मैं आपको वो भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। जी बताइए। देखिए मेरे किसान भाइयों कि हम लोग कैसे कमा सकते हैं कि एक बीघा की जब धान और गेहूं की कटाई का सीजन चलता है तो लगभग लगभग एक बीघा की कटाई में 7 से 8 मजदूर लग जाते हैं, लगते हैं ना जी? बिल्कुल। और उस टाइम पे मजदूर मिल भी जाए नहीं भी मिले कोई पता नहीं है, वो तो किस्मत की बात है। अगर मजदूर मिल जाए और मजदूर भी मिलेंगे तो औने पौने मिलेंगे तो लगभग लगभग 500 से 600 रुपए का आपका क्या हुआ, एक मजदूर मिला जी। तो 7-8 मजदूर एक बीघा की कटाई कर रहे हैं तो 7-8 मजदूर का एक बीघे का आप औसतन 3500-4000 रुपए, 3500-4000 आप उनके साथ में लगे रहे वो अलग है, साथ के साथ ये कर रहा है एक घंटे में एक एकड़ की कटाई, वो 8 मजदूर एक बीघा की कर रहे हैं तो 8 × 16 = 4 = 20, 20 मजदूर हो गए। अभी 20 मजदूर का आपने औसतन 4000 × 10000 रुपए हो गया, 2.5 बीघा खेत की कटाई के लिए, एक एकड़ की कटाई के लिए लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में पैसा की जरूरत है। अब मेरा किसान भाई इस रीपर के माध्यम से 100 से 200 रुपए के डीजल में और जो है कटाई कर रहा है और मात्र एक घंटे में कर रहा है तो ये बेस्ट है या वो बेस्ट है? हाँ ये तो सर जाहिर सी बात है बेस्ट हो गई होगा। और दूसरी बात आपसे ये भी थी कि जिस तरह से आपने इसके फायदे बताए जी, इस तरह के पावर रीपर बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, आपके पावर रीपर में क्या खास बात है? देखिए हर चीज को मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पॉइंट रह गया था सर जी कि मेरे किसान भाइयों अब हमने बताया कि यदि एक एकड़ काटने में यदि मेरा किसान भाई 2500, 2600, 3000 भी लेता है तो इसमें कितना पेट्रोल डीजल जला उसका आप बताइए, एक घंटे में कितना? दो लीटर आपका 200 रुपए का हो गया जी। अब मेरे किसान भाई को 2800 रुपए तो सेफ बच गए। अब 2800 रुपए जब मेरा किसान भाई एक और अपना साथी लगा के अपने साथ चलाए, 10 घंटे इसको चला ले, 8 घंटे चला ले तो एक दिन में लगभग लगभग कितना हो गया आपका, 10 एकड़ काट दिया आपने जी, सपोज करो जी, 10 एकड़ का कितना हो गया, 3000 से 30000 जी। अब आपका लेबर कॉस्टिंग, आपका डीजल सब ये मानिए 3000-4000 मान लीजिए, मतलब 20 से 25000 आराम से। मेरा किसान भाई 20 से 25 प्लस ही लेके जाएगा, माइनस नहीं लेके जाएगा जी। अब आपको मैं बता देता हूँ, अभी सर ने बताया कि आपके में बेटर क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री कंपनी क्वालिटी पे काम करती है। आप देखिए हर पार्ट आप देख सकते हो, हमने उम्दा लगाया है, जिसमें लोहा लगाया है वो टाटा स्टील का है, ऐसे नहीं है, सालों साल चलेगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा, अदर कंपनियों में आपको टायर्स बड़े नहीं मिलेंगे, गुड्डी वाले नहीं मिलेंगे, इसमें 5 वारा के हमने TVS कंपनी के टायर दिए जो कि ओरिजिनल टायर हैं। तीसरा, हमारे किसान भाइयों को हमने ये सेफ्टी फीचर दिया है, और किसान भाई को और अदर कंपनियों के रीपर में ये सेफ्टी फीचर्स नहीं होता, ये खुला हुआ होता है, खुला हुआ होता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा। चौथा, हमने मेरे किसान भाइयों के लिए डिफेंशियल गियर का प्रावधान दिया हुआ है, हमें छोटे से एरिया में टर्न करना होता है जब गेहूं कटाई होती है
या धान कटाई होती है, तो हमारा किसान भाई इसे आसानी से देखिए, अभी मैं आपको टर्न करके दिखाऊंगा, एक ही पहिए पे जी। ये इसे बोला जाता है डिफरेंशियल गियर। देखिए ये चक्का मेरा लॉक हो गया इधर का। अच्छा, अभी मैं इसको इतने से एरिया में इसको इजी तरीके से टर्न कर सकता हूँ। अच्छा, ये और किसी पावर जो है रीपर में नहीं मिलेगा। अभी मैं ये एक मेरी क्लच को छोड़ दूंगा, इसको दबाऊंगा, मेरा इधर का चक्का लॉक हो गया। आप देखिए इधर का चक्का मेरा लॉक हो चुका है। ये यहीं की यहीं मेरा जो है पावर रीपर टर्न हो जाएगा सर। जी जी जी, कितने बेल्ट का सर ये? ये सर देखिए 3 बेल्ट का है, आप देख सकते हो 3 बेल्ट का है, और इसमें आपको हमने अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे क्या होता है, मशीन चलती रहती है जी, तो उसमें क्या होता है, ये समय आने पे पटे ढीले पड़ जाते हैं, और आपको पावर रीपरों में क्या होता है, आपको टाइट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको ये पटे बदलने पड़ते, दोबारा ही बदलने पड़ते हैं जी। लेकिन किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री ने इसमें टाइट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे हमारे किसान भाई का खर्चा बचे और पैसा ज़्यादा कमाए। आप बात करो ब्लेड्स के बारे में, ब्लेड्स हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड हैं, सालों साल चलेंगे, समय आने पे घिस जरूर जाएंगे, लेकिन ये टूटेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। बात करूं स्टार की क्वालिटी की, स्टार का काम होता है फसल को एक साइड से दूसरी साइड करना, तो उसके लिए स्टार की आवश्यकता होती है, तो स्टार की क्वालिटी भी हमने इसमें बेहतर दी हुई है सर। सर वारंटी क्या देते हैं आप इनकी? सर देखिए वारंटी नहीं, हम 1 साल की गारंटी देते हैं किसान भाई को, वारंटी नहीं देते। मतलब गारंटी मतलब पार्ट से बदल कर दे दोगे? मेरे किसान भाई का कोई भी किसी भी प्रकार का पार्ट्स आपका डैमेज होता है कि कोई समस्या आती है तो हमें कॉल करें, मेरे किसान भाई को हम जो है पार्ट चेंज करके देंगे। अच्छा सर, ये और बताएंगे आपको, जो पावर रीपर है अगर इन्हें सही तरह से मेंटेन रखा जाए तो कितनी साल तक चल सकते हैं? सर देखिए इसमें बिगड़ने वाला है ही क्या, जैसे हमारे जो है ट्रैक्टर माउंटेड रीपर चलते हैं उसी तरीके से ये पूरा चलेगा। इसमें आपको और चीज दिखा देता हूँ थोड़ा सा जी। आपको इसमें जैसे हमारे ट्रैक्टर का इंजन इंडियन होता है जी, ऐसे ही हमने ग्रीउस कंपनी का हमने इंजन दिया हुआ है, 5 HP का डीजल इंजन, जो कि आप देख सकते हो मेड इन इंडिया, आप देख सकते हो ग्रीउस कॉटन लिमिटेड, और ये देखिए लाइट इंजन यूनिट महाराष्ट्र औरंगाबाद, ये मेड इन इंडियन औरंगाबाद का बना हुआ जी इंजन है सर। अच्छा सर, ये 5 हॉर्स पावर का बता रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना डीजल लेता होगा? सर ये 1 घंटे में लगभग लेता है 1 से 1.5 लीटर जो है, क्योंकि लोड में चलता है तो वहाँ पे 1.5 लीटर 2 लीटर लेता है सर। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि 2 लीटर डीजल में, लास्ट हम कहते हैं 2 लीटर मान लें, 2 लीटर में 1 एकड़ हम जो फसल है चाहे वो गेहूं की हो धान की हो काट लेंगे। बिल्कुल आसानी से मेरा किसान भाई काट सकता है और पैसा भी आप कमा सकते हो। सर इतनी सारी खास बात हमने इसकी सुनी है, आपने बहुत सारी खास बातें इसकी बताई है, बाय द वे कोई समस्या आ जाती है तो सर्विस कितनी देर में मिल जाएगी किसानों? देखिए मेरे किसान भाइयों, सर्विस के लिए मैं बात करूं, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मेरा किसान भाई नहीं जानता हो इसके बारे में। आप यदि चाहो तो आप उसे वहीं की वहीं मेरी सर्विस के बजाय आप वहीं की वहीं अपने लोकल मार्केट में ठीक करवा लें। मिल जाते हैं हर जगह? हर जगह इसके ब्लेड आपको हर मार्केट में मिल जाएंगे, पटा है, कन्वेयर है, बेल्ट है, जो भी है आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। गारंटी के बाद मतलब? जी गारंटी पीरियड के बाद। गारंटी सर देखिए मशीन में गारंटी किस चीज़ की रहती है? गारंटी रहती है सर इंजन की जी, मेन चीज होता है इंजन, तो 1 साल तक इंजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमारी गारंटी है। बाकी पार्ट्स इसमें जो दिए हुए हैं रीपर का, रीपर में कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि इसमें जो किसान भाई हैं जो बेरोजगार हैं या फिर जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो एक दिन में 25 से 30 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं जी। अगर एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपये कमाएंगे तो इसकी कीमत क्या है सर? कीमत सर मैं बात करती है, कीमत मैं ये कह रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, महीने लगभग गेहूं या धान के सीजन में 1-1.5 महीने सीजन चलता है, तो मेरा किसान भाई चाहे तो इसको 7 दिन में 8 दिन में फ्री कर सकता है। अपनी हो जाएगी मशीन? ये अपनी हो जाएगी। इसकी जो कीमत रखी है बहुत सोच समझ के मेरे किसान भाई को पहुंचा के देंगे उनके नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक, 1,40,000 रुपए में किसान भाई के नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक हम लोग पहुंचा के देंगे। अच्छा सर, अब ये और बताएं कि इसे खरीदा कैसे जा सकता है? देखिए खरीदने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। देखिए मेरे किसान भाइयों, हमारी कंपनी है नियर बाई कृषि उपज मंडी,
ऑन रोड जो कि डहरा रोड है, आप लोग नदवई में हमारा स्टेशन है, बाई बस आना चाहो बाई बस आ सकते हो, आप लोग ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं ट्रेन के माध्यम से आ सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, नदवई भरतपुर राजस्थान में हमारी कंपनी स्थित है। जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए भी प्रावधान दिया हुआ है, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाएं तब आप बुकिंग करा सकते हो। बुकिंग चार्ज रहने वाला है वो 20,000 रुपये रहने वाला है, बाकी का 1,00,000 जो 20,000 जो पेमेंट है वो आपके 7 से 8 दिन में जब डिलीवरी होगी उस टाइम पर वहाँ पर मेरे किसान भाई को नज़दीकी ट्रांसपोर्ट पर जहाँ जाएगी मशीन वहाँ पे करना होगा।